जय श्री राम। नमः नमः विषय को पूरा करना है पहले हमें, फिर इसके बाद अन्य कलश आ गया है, उनकी बात कंटिन्यू आएगी। सबसे पहले दो बातें समझेंगे बस, इसके बाद आपको विषय ग्रहण हो जाएगा। जो चल चुका है उससे आगे ले रहे हैं, महाभारत चल रहा है 390 से लेकर के 404 नंबर तक की गाथा में 15 गाथाएं थी, उनकी चल से कंटिन्यू है। दो बातें कौन कौन सी हैं? अभी बहुत जोरदार कलश सुना तुमने 12 नंबर का, ये ध्रुव की थी मस्ती आंखें से रही, तो उसे जरा देखे, सभी लोग देखेंगे ना, लिखना मत, पहले देखना है ना। उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य नाम तो सुना हो, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्तम सत, बोलो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्तम युक्तम सत। अभी तुम बैठे हो ना, तो अभी दो चीज एक साथ है, उत्पाद व्यय और ध्रौव्य। क्या क्या दो चीजें हैं? उत्पाद व्यय और ध्रौव्य। अभी एक चीज संयोग है, एक संयोग दिखाई दे रहा है, तीन चीज हो गई। ये तो पासे पर डिपेंड कर रहा है सुना था भैया, ये पासे पर डिपेंड कर रहा है, इसे आप नहीं सरका सकते, व्यापार को नहीं सरका सकते, पत्नी को नहीं सरका सकते, शरीर को नहीं सरका सकते। माने एक हिसाब से मैं बोलूं, एक ही शब्द में, एक वाक्य में, यू कांट चेंज एनीथिंग। ये कपड़े तुम नहीं रोक सकते, कर्म को देगा पास आया है, जैसा शरीर मिला है वो कर्म को देगा से मिला है। आप यहां तक आए भी हो ना तो पुण्य के उदय से आए, पुण्य का उदय नहीं होता तो नहीं आ पाते। अभी सुन भी रहे हो ना तो साता वेदनी से सुन रहे हो, समझ में आ गई? यू कांट चेंज एनी थिंग, एक काम कर सकते हो, ये संयोग है, ये उत्पाद है और ये ध्रुव है, ठीक, तीन चीज हो गई, ये मैं हूं और ये संयोग है। अब निर्णय करना इसको, ये तो समझ ये कौन पर्याय, इसको निर्णय नहीं करना है, ये नॉन चेंजेबल है, अनादिकाल से आत्मा है और कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, एज इट इज, जिसको ध्रुव कहो, परमात्मा कहो, व्याय कहो, जो कहना है वो कहो, तुम्हें जो कहना हो, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ नहीं करना। अब ये कौन है? उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय का मतलब पर्याय, उत्पाद व्यय का मतलब पर्याय। अब जो कुछ करना है ना इसको करना है। फिर से बोलो, तीन चीजें कौन कौन सी हुई? संयोग, संयोग में तो बहुत सारी सामग्री हो गई, शरीर से लेकर के कर्म, पुण्य पाप, शरीर, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, दुनियादारी तुम्हारी सब। अब इन तीनों का स्वरूप समझेंगे हम, बराबर। इसमें कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसमें कुछ करने की जरूरत है? पॉइंट नोट किया जाए, दोनों में डिफरेंस है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और इसमें कुछ कर नहीं सकते। डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ कर सकते नहीं। अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ये तीनों बातें याद रखना। मैं इसमें पढ़ के सुनाऊंगा बार-बार, ये तीन बातें याद रखना। एक लाइन पुरानी बात सुना दूं कल तक की, जिसे पढ़ चुकी। ज्ञान है सो आत्मा ही है, आत्मा है सो ज्ञान ही है, अंतर नहीं है। बराबर, कोई अंतर। कल इसके लिए दृष्टांत दिया था, सरल दृष्टांत। आप देख रहे हो कि आपकी आंख देख रही है? बोलो, आप सुनते हो या कान सुनते हैं? पेट को भूख लगती है कि आपको भूख लगती है? तीनों के बारे में क्या कहते हो ना? आप तीनों में भेद करके नहीं बोलते, मैंने देखा, मैंने सुना, मेरे को भूख लगी। ओहो, समझाने के लिए भेद है, समझ में भेद नहीं है। क्या बोले? क्या बोला? समझाने में भेद है। आंख नहीं, देखो नहीं, कान नहीं, सुनो ढंग से, ये तो समझाने में भेद है। लेकिन समझ, क्या तुमने कभी ऐसा कहा है मेरे पेट को भूख लगी है? बोलो, देख कहा है आपने? पूरा शरीर 5 इंद्रियों वाला, और आंख ने देखा तो कितने परसेंट ने देखा? 20% ने। आप ऐसे बोलते हो, मैंने 20% देखा। परसेंटेज नहीं है, मैंने देखा, मैंने सुना। आंख में और आत्मा, मेरे में भेद नहीं। ऐसे ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं। क्या बोला? ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है। पॉइंट पकड़ो। इसलिए ज्ञान की अनुभूति है वो आत्मा की ही अनुभूति है। तो भेद मत करना, सब अनंत गुण है आत्मा में, मैंने तो 10-5 ही जाने हैं, अनंत गुण नहीं जाने। तो अनुभूति कितने परसेंट हुई? अनंत के सामने 10-5 गुण जाने तुमने, ज्ञान, दर्शन, चार, मान लो 4 जाने, चलो तो कितने परसेंट अनुभूति हुई? अनंत गुण में से 4 गुण जाने, ज्ञान, दर्शन, चालीस, वीर, 5 रह रहे, तो कितना परसेंट अनुभूति हुई? परसेंट मत बोला, 20% से जानते हो। जैसे इंद्रियों में और आप शरीर में भेद नहीं करते, आप अपने में भेद नहीं करते, जैसे ज्ञान में और आत्मा में भेद नहीं है, करना नहीं। कल दृष्टांत दिया था, फिर दे देता हूं आपको, सभी लोगों के लिए ध्यान सुनना। शक्कर में कितने गुण हैं? अनंत, बराबर। दूध में कितने गुण काम आते हैं? दूध मीठा करने में कितने गुण काम आते हैं? 1। दूध मीठा करने में कितने गुण काम आते हैं? 1। खीर मीठा करने में, बोले यार, 1। रसगुल्ला मीठा करने में 1 गुण काम आता है, बाकी गुण डेड, बाकी गुण यूजलेस। पक्का? फाइनल? तो ये बताओ, तो आपने एक ही गुण खाया कि पूरे गुण खाए? आपने एक ही गुण ग्रहण किया या पूरी शक्कर खाई? आपका पॉइंट पकड़ो, आपका ध्यान नहीं गया सब तक, आपका ध्यान मिठास पर गया, लेकिन खाई तो पूरी है। ऐसे तुम्हारा ध्यान ज्ञान पर गया, लेकिन अनुभव में तो पूरा ही आत्मा आया। क्या कहा? क्या कहा? अनुभव में कितना परसेंट आत्मा आ रहा है आपको? पहले 0% आता था, क्योंकि 1 भी गुण का पता नहीं था। फिर धीरे स्वाध्याय करी तो 5 गुणों का पता लगा, तो कितना परसेंट? 1%। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। नहीं, आत्मा की अनुभूति ऐसे होगी। बोलो, ओहो, आवाल गोपाल सभी को आत्मा अनुभव में कैसे आ रहा है? बताओ कैसे आ रहा है? तुम्हें आत्मा का अनुभव आ रहा है अभी? और बोली थोड़ा सा, जैसे सिद्ध भगवान को अनुभव आ रहा है वैसे तुम्हें आ रहा है, क्योंकि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, और इसी का अनुभव आ रहा है। क्या बोला मैंने? इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, और इसी का अनुभव आ रहा है। और सिद्धों को काय का अनुभव आ रहा है? ध्रुव का। और तुम्हें काय का अनुभव आ रहा है? तो मिथ्यात काय के लिए, काय का नाम है मिथ्यात? कि तुम्हारे दिमाग में खुरापात है। खुरापात तो समझते हैं, हेल्पलेसनेस। तो हम तो कुछ जानते ही नहीं, इतने से गुण जानते, इतना से अनुभव होगा। बोलो, अनंत गुणों का वेदन हो रहा है, बराबर है। चलो अब तो आगे चलो। तो ज्ञान है वो आत्मा ही है, आत्मा है वो ज्ञान ही है, उसमें कोई विरोध नहीं। टीका के अंत में कहा गया है कि जो, अब यहां से शुरू हो रही कहानी, यहां से आज की पढ़ाई आज से शुरू। समझ में आ गई कि नहीं? पहले तीन बार कौन कौन सी? उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य और संयोग, तीन चीज, बराबर। अब देखो, अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली हाँ, फिर से आ जाओ। और इसमें अनादि अज्ञान कौन है? इसमें अनादि अज्ञान कौन है? ध्यान से सुनोगे तो याद रह जाएगी। इसमें अनादि अज्ञान कौन है? मैं बोलता हूं, अब आप मत बोलोगे। इसमें अनादि अज्ञान क्या है? कि इसको ध्रुव का भरोसा नहीं है, इसे अपना भरोसा है। पर्याय का भरोसा कर रही है। पर्याय का जहां हम करेंगे सो होगा। पर्याय में कर्तव्य बुद्धि क्या होगी? मैं करूं सो हो। सुन तो सही, तू कुछ मत कर, तू अपने भरोसे मत रह, तू इसका भरोसा कर। क्या बोला हमने? दृष्टांत दो, थोड़ा सा दृष्टांत। चौथे काल की सीता में और पंचम काल की सीता में क्या अंतर है? कि चौथे काल की सीता घर के मामले में, राज्य के मामले में दिमाग नहीं लगाती थी, समझ गए? मैंने बिजनेस कारोबार के मामले में सीता दिमाग नहीं लगा रही थी। यदि रामचंद्र जी ने कहा कि हम जंगल जाएंगे, यस, आपका करेक्ट डिसीजन होगा, हमें क्या लेने देना, हम तो आपके संग चलेंगे। लक्ष्मण अपना दिमाग नहीं लगा रहे, बड़े वैज्ञानिक कहा, बस चला, समझ गए? दृष्टांत है, पुराना है, बहुत सारी कहानियां, मैं उसे कहानी नहीं सुनाना चाह रहा। और आजकल क्या है, तुम तो लल्लू हो भाई। अपन अपना जो लीगल राइट है उतना तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना, सही पूरा राज्य। एक गांव ही ले लो, एक मकान ले लो, एक महल ले लो, थोड़ा बहुत तो ले लो, दर दर की ठोकरें खा रहे और निकल करके देख लेना। आज की तारीख में तुम सब कुछ छोड़ के जाके दिखाओ, आज की सीता क्या बोलेगी। तुम जैसा बेवकूफ नहीं देखा पढ़ा लिखा। सीता ने राम से ऐसा नहीं कहा था। क्यों? सीता को, पर्याय को राम का भरोसा करा। सम्यक दर्शन कैसे होता है? पर्याय को ध्रुव का भरोसा है, ये परिपूर्ण है, ये अनचेंजेबल है, इसके आश्रय से ही मैं अनंत काल तक सुखी रहूंगी, बराबर। क्या पढ़ाया मैंने? अनादि अज्ञान। अब ये नहीं जानती थी, ये क्या जानती थी फिर? नहीं, पैसा के बिना कोई सुखी होता है? बोलो, आप में से कौन कौन का हाथ है? पैसा के बिना कौन कौन सुखी हो सकता है? बोलो, अरे बोलो, आपका विश्वास क्या कहता है, बिलीव क्या कहता है? बोलो, अरे बोलो भाई, जे मिथ्या, जे है अनादि अज्ञान। पत्नी के बिना कोई सुखी हो सकता है? बताओ। बच्चों के बिना कोई सुखी हो सकता है? अरे बोलो, अरे आप अपना बिलीफ तक बोलो ना। अभी तक अपन ने इन दो की बात सुनी थी, गुलाट मार दे, फटाफट अनुभव कर ले, कर क्यों नहीं पा रहे? करो ना। अरे तो आपने सुन लिया ना पूरा उत्पाद-व्यय-ध्रौव युक्तम सत्। अभी जितनी चर्चा चल रही है ध्रुव में, मैं ध्रुव हूं, भगवान हूं, आनंद कर, अनुभव कर, तो करो ना, क्यों नहीं कर पा रहे? आए समझ में आया कि नहीं है? तुम अच्छे नहीं लगते, क्या सिक्स पैक देंगे? यदि भरी सभा में ऐसा कह दें सिक्स पैक नहीं, तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, हाँ पंडित जी हमारे भी क्या ही दिया आखिर, इससे मैं मम्मी से क्या ही रहा था जिम चला जाऊं, और नहीं बने तो भले नकली बना लो प्रोटीन खा के। क्या कहला ना, बैट गेनर खा के फौरन। लेकिन क्यों? तुम चाहो तो एक सेकंड में अनुभव कर सकते थे, ओहो मैं जहां हूं, मैं जो हूं, वो अनादि अनंत परिपूर्ण है, परिपुष्ट है, बलशाली है, ताकतवर है, आनंदमय है। ओहो मैं ये हुआ ही नहीं। बोलो, मैं आपका कमरा देखने आऊं, कमरा देखना जिसमें आप ठहरे हो, बहुत बेकार है। आपको क्या लगता है पता है पंडित जी? 4 दिन के लिए आए। कितने दिन के लिए आए? 4 दिन के लिए आए। ये हमारा थोड़ी है, अभी रुकने के लिए है, बस थोड़ी देर। बोलो आपको कोई तकलीफ होती है? अच्छा, इस शरीर में कितने दिन रुकने के लिए आए हो? बताओ इस शरीर में कितने दिन रुकोगे? जल्दी बोलो। तो 6 पैक चाहिए कि 8 पैक कि 12? बोलो कितनी पैक चाहिए? समझ में आया? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? जब आपने ध्रुव का निर्णय कर लिया, सुन रहे हो, इन दोनों का निर्णय कर लिया, पर्याय बेकार है, पर्याय का विश्वास नहीं करना, पर्याय दृष्टि नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं। लेकिन कर कौन रहा है? पर्याय ही पर्याय दृष्टि कर रही है। कैसे कर रही है? इधर तो इसके भरोसा तो है नहीं, इसका भरोसा है। समझ में आया कि नहीं आया? 100 करोड़ रुपये तुम्हारे घर में हो तो तुम सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? झूठ नहीं बोलना, सही सही बोलना। पंडित जी मजा आ जाए, एक बार हो तो जाए, मतलब फुल ताकत से आनंद आएगा। तो नहीं आया, यही मिथ्याचार है। सम्यक दृष्टि से पूछो, 6 खंड की विभूति भी, हाँ, क्या अत्यंत भाव, 6 खंड की विभूति अत्यंत भाव है, भोगता ही नहीं जीव, आज तक नहीं भोगा, मिल जाए तो भी। पंडित साहब की रचना में है बहुत जोरदार लाइन, सुनी होगी आपने, बिनासी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी रहे जागे अभी जाए सहज जीवन हमारा भी। फिर से दृष्टांत दो, इन तीनों की फिर से दृष्टांत दें। जब सीता की शादी हुई थी तब राजकुमार थे और राजा बनने का चांस था, तो कितना बड़ा अयोध्या का राज मिलना था। और शादी होने के बाद रामचंद्र जी को गेट आउट कर दिया। अब अयोध्या तो यही रह गई। जंगल में रामचंद्र जी के पास क्या क्या था? कितना गोल्ड, कितना डायमंड, कितने बर्तन, भांडे, कपड़े, मकान, कुछ न, नौकरी, इंजीनियरिंग, सीए, डॉक्टर। सही बताना रामचंद्र जी कितने बेरोजगार होंगे उस समय? नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं थे। डॉक्टर थे नहीं, इलाज करके कमा लेते। सीए नहीं थे, ऑडिट करके कमा लेते। और क्या नहीं थे? इंजीनियर नहीं थे। कंप्यूटर था ही नहीं साइंस। सही बताना, सीता की किस्मत फूटी कि नहीं फूटी? कैसा राम, किसी काम का नहीं। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो, सुनो, सीता का ये काम नहीं है, मुझे इसका भरोसा नहीं था, इससे शादी नहीं की मैंने। क्या कह रहे? मैंने महलों से शादी नहीं की, मैंने 6 खंड से शादी नहीं की, मैंने राम से शादी की है। समझ गए? बात खत्म। उस भरोसे के बल पर तलाक नहीं होते थे। आजकल फटाफट तलाक क्यों हो जाती है? तुम नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही, तीसरा नहीं चौथा सही। इंद्रस्थान है, मुझे तो आत्मा में घटाना है। हाँ, अनादि अज्ञान क्या है? अनादि अज्ञान क्या है? कौन बोलेगा? अनादिकाल से सुख तो इसे चाहिए, लेकिन सुख के लिए इसका भरोसा नहीं करता। पत्नी अपने पति का भरोसा नहीं करती, पर्याय अपने ध्रुव का भरोसा नहीं करती, संयोग का भरोसा करती। पता है सम्यक दर्शन करने का कितना फायदा है? मिथ्या दृष्टियों से पूछो आप, मिथ्या दृष्टियों से सम्यक दृष्टियों को कितना फायदा है आपको पता है? पूछो मिथ्या दृष्टियों से। मैं ऐसे कहते, पता है 100,000 इंद्र बनेंगे, 20 नील पटरानी मिलेंगी, सची इंद्राणी 20 नील हैं 40, चलो आधी कर दी थी मैंने, 40 कर दी, 40 नील। और यदि चक्रवर्ती बने तो 96,000। नजर कहाँ जाती है? चक्रवर्ती कहते सही आपकी इधर नजर इधर नहीं जाती। चक्रवर्ती कहते सही नजर पर्याय की इधर नहीं जाती, किस पे जाती है? 6 खंड मैंने तो पंडित साहब के मुखार में से सुना, आहा 6 अखंड की क्या कीमत है अखंड के सामने, जो अखंड दिखता ही नहीं, दिक्कत है भरोसा इसका है। मैंने फिर सुनना, अभी स्वाध्याय भी करोगे नहीं आप, कल्पना करो यहां से तुम जाओ और नौकरी लग जाए, पक्की बात है, ऐसा एकदम चमत्कार दिखाई देगा। शिविर में चमत्कार तो है, पंच कल्याणक में जाओ चमत्कार है। पिछली बार आए थे तो इतना काम हो गया था, इस बार आए थे अब पक्के में और काम हुआ। भोपाल का पंच कल्याणक हुआ था, लंबी तो नहीं सुनाता हूं, वहां अध्यक्ष ने 6 महीने बिजनेस नहीं किया, 1974 में 6 महीना बिजनेस नहीं किया। बहुत बड़ी फर्म थी, बहुत बड़ी फर्म, नहीं किया, पूरा काम इसमें लगा दिया। क्यों? गुरुदेव पधारने वाले थे भोपाल में, जी जान से लगी हुई थी समाज। 6 महीने दुकान नहीं खोली। 6 महीने बाद जब पंच कल्याणक कंप्लीट हो गया और दुकान पर गई तो पहले ही दिन इतनी कमाई हुई, 6 महीने की पूरी इनकम आ गई। एक दिन में 6 महीने की इनकम आ गई पूरी, उससे ज्यादा आई, मैंने कम नहीं आई। कैसे आई होगी? कैसे आई होगी कि जो उनका स्टॉक था ना, 6 महीने तक स्टॉक रखा हुआ था, उसके मूल्य बढ़ गए थे। लोहे का व्यापार था, लोहे था, उसकी रेट बढ़ गई थी, रेट बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया था। हाँ ये बात तो सही। अब झट महिमा किसकी आने लगी? अरे कल्पना करो तुम 3 बार शिविर में आओ, हर 5 साल वाले में, और हर बार घाटा हो, तुम्हारा विश्वास क्या करेगा? सही बताना। सही बात है, लोग सही कहते हैं, जिनने किए धर्म उनके फूटे कर्म। हम नहीं जाने, 4थी बार में कहूँ अर्चे चला है, हम नहीं जा रहे। पहले शेर में गए थे, मैं किसी का नाम नहीं लिया, फला गुजर गए, दूसरे में गए तो बे गुजर गए, तीसरे में गए तो बे गुजर गए। पहले एक शिफ्ट बंद हुई है, दूसरी फर्म बंद हुई, तीसरी कंपनी बंद हुई, 4 दिन भैया हमें थोड़ी रोटी खाने दो। आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? भरोसा किसका? जी कह रहे, अभी भी सोच के देखो, अभी भी किसका भरोसा है? कल्पना करो, अभी आप यहां सब पधारे और अभी निकलते से चप्पल चोरी चली जाए। चलो पहले दिन तो आप सोचो कोई बात, चली गई हो, लेकिन 10 दिन रुकोगे। अभी 9 तारीख तक ज्यादा दिन हो गए, 12 दिन लगभग, 12 दिन हो गए, 12 जोड़ी चप्पल चली जाए। आपको 12 दिन में कितने प्रवचन हो गए ध्रुव स्वभाव के, उनका क्या होगा और इसका क्या होगा? संयोग में चप्पल लिए अपन भैया, हम तो परमात्मा मंदिर में ठहरेंगे भैया जी, कौन नगर में ना, कैसा है? हम इतनी बार 5 स्टार होटल में गए, एक बार भी चप्पल चोरी नहीं गई। परमात्मा मंदिर में जम जाती नहीं। तो समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं? अनादि अज्ञान। अब अनादि अज्ञान को और आगे देख क्या लिख रहे हैं? अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ उपयोग रूप पर सभी की प्रवृत्ति को दूर करके बने। दूर करके मतलब, अब बहुत मेहनत है इधर, दूर करके बने भेद विज्ञान करके। दूर करके मतलब ये तो चेंज कर ही नहीं सकते आप। सम्यक दर्शन ले लो तो भी शरीर नहीं बदल पाओगे, सम्यक दर्शन ले लो तो भी कर्म नहीं बदल पाओगे, सम्यक दर्शन ले लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। यहां पर 2 पॉइंट कौन कौन से बोले थे इन दोनों के? इसमें चेंज कभी होता नहीं और इसमें चेंज कर सकते नहीं। आई पसंद आ रही कुछ? तो अब इसको शांति कैसे मिले? ये मैंने पर्याय, ज्ञान की पर्याय ले लो, इस ज्ञान की पर्याय को शांति कैसे मिले? तो पंडित साहब की बड़ी बड़ी सुंदर सूक्तियां हैं। ज्ञाय को जानने से रोग भले ही ना मिटे, लेकिन रोग की आकुलता मिट जाती है। क्या बोला मैंने? ज्ञाय को जानने से रोग मिटेगा कि नहीं मिटेगा? रोग मिटेगा कि नहीं मिटेगा? ज्ञाय को जानने से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? हाजी की नाजी जल्दी बोलो। अरे ज्ञाय को जानेंगे तो बोलो क्या होगा? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बोलो। ज्ञाय को जानेंगे तो पुण्य का उदय आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब फिर से उत्तर बोलो। पुण्य का उदय आए या ना आए, लेकिन शांति रहेगी। शुभ और अशुभ उपयोग, शुभ अशुभ उपयोग है ना, जितनी हो रही थी, और उसको दूर करके। क्यों? मेरा सबसे एक बात था, इसमें घाटा हुआ तब तकलीफ हुआ, इसमें घाटा समझे ध्रुव। उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य माने ज्ञान की पर्याय ले लो। यहाँ पे अभी फिलहाल समझाने के लिए। ज्ञान की पर्याय यहाँ का निर्णय करें या यहाँ का निर्णय करें, दो में से किसी का निर्णय करें। अभी तक इसी के भरोसे बैठी है, अब इसका भरोसा नहीं किया। मैं आपसे पूछूं यह कितना करोड़ का नुकसान हो जाए कि आत्मा ध्रुव आधा हो जाए, चलो ये कितना संयोग बढ़ जाए कि आत्मा पूरा हो जाए, बोलो जी है इसने सुबह अशुभ को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है कुछ? फिर से बोलो, यहाँ 10 करोड़ का लॉस हो जाए, ये इसके भरोसे बैठा था। पर यह किसके भरोसे बैठ रही है? सुखी होने के लिए 10 करोड़ के भरोसे। आज ध्यान होगा, पक्के में आज ध्यान होगा, चलो 10 करोड़ मिल जाए तो रोज ध्यान होगा। जब जब संयोग का भरोसा करेंगे तो हाँ, वियोग में आठ ध्यान, संयोग में रोद्र ध्यान, है ना। और इसका भरोसा करे तो धर्म ध्यान, और इसी में रम जाए तो कौन सा रह गया? शुक्ल ध्यान। कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। आप बोलो क्या करना है? शरीर तो बूढ़ा होगा, शरीर तो बूढ़ा होगा और जाएगा, छूट नहीं वाला है। अब क्या करना है बोलो? बूढ़ा हो रहा है, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, एक दिन बाल चले जाएंगे, एक दिन कान चले जाएंगे। और ध्यान है मस्त, देखो मेरा चेहरा, मेरी बॉडी, जरूरत ध्यान सुना। इसके अच्छे होने से भी इसे कोई फायदा नहीं, इसके बुरे होने से भी इसे कोई लॉस नहीं। धर्म ध्यान प्रारंभ, धर्म ध्यान प्रारंभ। और सुनो इसी में रम गए, इस करना है नहीं। पंडित जी आपने ऐसा ग्राहक बताओ जिससे नौकरी मिल जाए तो फिर तुम गलत दुकान पे आ गए। यहाँ नौकरियां छूटती हैं क्या कह रहे? यहाँ बिजनेस बंद होते हैं। क्या कहा? क्या कहा? बोलो क्या होता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने लिखा है, संसार के अभाव के लिए ही जैन धर्म का सेवन किया जाता है। क्या लिखा है? जिन धर्म का सेवन तो मोक्ष के अभाव के लिए किया जाता है। कई लोगों ऐसा लगता है पंडित ऐसी कोई बात बताओ ना, मेरा कौन सी पूजा करूं, क्या करूं, थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए। सुनो यहाँ तो जमी जमा बिजनेस उखड़ते हैं नहीं। हाँ चलो, अनादि अज्ञान से क्या हो रहा था? उस प्रवृत्ति को दूर करें। प्रवृत्ति को दूर करना समझ गए? इस शरीर में चेंज ला सकते हो? क्यों नहीं ला सकते? अब विचार करो, अत्यंत भाव है और कर ही नहीं सकते। अब तुम नाराज हो तो भी अत्यंत भाव है, प्रसन्न हो तो भी अत्यंत भाव है। अब अपन क्या करें बोलो? साहब मैं वैसे बहुत शांति रख सकता हूँ, जी मेरी बहुत बुराई करता है, जी मेरा शत्रु नंबर 1, कॉम्पिटिटर नंबर 1, जेलेसी बहुत करता है, मैं इसको खाक में मिला दूंगा। सुन, अत्यंत भाव के कारण तू इसे तो कुछ नहीं कर पाएगा। यू कांट टच हिम, इसे तो तुम नहीं छुपाओगे। अब आगे बोलो क्या करना है तुम्हें? आज ध्यान करना है कि रोज ध्यान करना है? जी बोलो। अरे साहब कुछ नहीं कर सकता तो गाली तो दे ही सकता हूं कि तू आज ध्यान कर, इधर से चूक जाएगा। सुना एक काम हो सकता है, ये कितनी भी जेलेसी करे, कौन शत्रु कितना भी आपको गालियां दे, बुराइयां करे, तो भी तू मस्त रह सकता है। क्यों? इधर देख, इधर देख, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। इधर देख, इधर ये गाली दे रहा है, इधर देख कुछ नहीं हो रहा है, दे रहा है गाली, हमें कुछ नहीं हो रहा है। पंडित जी लेकिन मेरे एक बिजनेस बंद कर दिया उसने, तो इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। और बिजनेस बंद क्यों हुआ? उसने किया है। क्यों उसने किया है? अरे बोलो ना, दुश्मनी निकाली उसने कि सुनो पाप के उदय के बिना नहीं होता। क्या कहा? पाप के उदय के बिना नुकसान नहीं होता। और पुण्य का उदय हो तो लाख गालियां दे तो भी कुछ नहीं होता। इधर तो पासा है, पासा तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी प्रदीप जी ने समझाया भी, यार इसे तुम नहीं कर सकते। तो इधर क्या हुआ ये तो बोलो, इधर क्या हुआ? बचपन की दृष्टांत दूं, बचपन का दृष्टांत। बचपन में जो लड़ाई झगड़े होते थे मोहल्ले में, तो कोई ना कोई गाली देने वाला मिलते कि आंख फूट जाए। तो अब दो तरीके हो सकते हैं, वो उसे कहते कि आंख फूट जाए, तो अपनी आंख तो फूटी नहीं, रोने की जरूरत है। टांग टूट जाए, अब टूटती नहीं, अब तो अपने को हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? अरे बोला जी तो धर्म ध्यान है, हंसा क्यों? टूटना ही नहीं है, क्या कह रहे हैं तो मालूम है अपन रोते नहीं थे क्यों, उसने कहते कि आंख फूट जाए, अभी फूटी नहीं। तो मालूम क्या कहते, दिवाली के दिन फूटा है। मैंने इतना लंबा पीरियड क्यों दे दिया कि तब तक फूटेगी नहीं फूटेगी, रो तो कम से कम। मैं जैसे मैं कहा अभी फूटा है तो अभी तो फूटी नहीं था, हंसेंगे दिवाली के दिन फूटा है तब तक रोना पड़ेगा कि नहीं नहीं तू चाहे जो बोल, यहाँ कुछ बिगड़ने वाला, ध्रुव में कुछ बिगड़ने वाला नहीं, इसलिए मजे कर रहे। हमारी बददुआ लगे, जैन समाज में जैन धर्म में बददुआ नहीं लगती किसी की, सारा विश्व मिलकर खिलाफ हो जाए तो भी हाँ बोलो। ये अनादि से अज्ञान क्यों चल रहा था, ये इसका भरोसा नहीं कर रहा था, भरोसा नहीं मैंने इसे देखता ही नहीं था। देख तो बोल समझ में आ रही बात, चले आगे चले, बहुत बढ़िया। दूर करके फिर क्या करें, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत में प्रवृत्ति रूप स्वयं समय को प्राप्त करके ले, ये प्राप्त हो गया। स्वयं समय का हो या सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का हो, आए समझ मिल गया क्या, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत में प्रवृत्ति रूप स्वयं समय को प्राप्त करके। भरोसा किसका करना है बोलो, ये तो ढलेगा तो इसको इसका रोना रोना तो रो ली बेटा, एक दिन बूढ़े हो जाओगे। ये पंडित जी ऐसी बद्दुआ मत दो, अभी तो मैं जवान हूँ, जवानी नहीं टिकेगी बेटे, बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो जाएंगे सारे, दांत भी निकल जाएंगे। बोलकर पंडित जी बद्दुआ आप कैसी कैसी बोल रहे हो, मैं तो दर्पण में देखता हूँ तो हीरो जी तो कह रहे पहले समझ लो, पहले ही समझ लो। आप बहुत खतरनाक बोलते हो, अभी खतरनाक क्यों लग रहा है इसका भरोसा है, एक दिन मर जाएंगे। तो इधर क्या होगा, इधर देखिए ना, इधर पकड़ ले इसका, मरने पर इसका क्या होगा, संयोग छूटने पर इसका क्या होगा, कर्मों के बदलने पर इसका क्या होगा। अरे बोले जा, मैं यही समाधि मरण है, यही समाधि मरण, यही मोक्ष जाने का रास्ता है। 3 उंगली से 4थी उंगली नहीं पढ़ानी पड़ेगी अब जिंदगी भर में, पूरा पढ़ा दिया देख लेना, यहां नहीं देखते इसलिए तो किया। अरे आंख फूटती ही नहीं है, आंख मैंने समझ गया दृष्टान फूटती, रोना खाई ली और सारा दृष्टान नहीं सोचने लगे। सुनना भैया, 1 करोड़ का हीरा तुम्हारे पास दृष्टान था, 1 करोड़ का हीरा, और हम सब मिलके कहेंगे कांच है, तुम्हें क्या तकलीफ, बोलो तकलीफ है कि नहीं जिनमें, बोलो तुम्हारे पास 1 करोड़ का हीरा, कन्फर्म हीरा, मतलब नकली हीरा नहीं, वो कनिष्क वाला। तो बोलो तो फिर तुम्हें सब कह रहे कांच, तो तुम्हें क्या लग रहा है, पाप को नहीं लग रहा है। हरी बोलो, पाप को आया कि नहीं आया, हरी बोलो ना, पाप को नहीं आया, मेरे हीरे को सब कांच कह रहे हैं, पाप को नहीं आया। सोचो जरा क्या कह रहे हैं, हीरा को कांच कह रहे हैं, पाप को नहीं आया। ऐसे तेरे शुद्ध चेतन को कोई हानि होने की बात कर रहा है, हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए, रागी दृष्टि हो जाए, पापी हो जाए, संसारी हो जाए, हो ही तो नहीं रहा। सुने जो इसे देखते उन्हें पाप का उदय नहीं आता। अब हम कह रहे हैं तुम्हारे 1 करोड़ का हीरा 2 करोड़ का हो जाए, 5 करोड़ का हो जाए, 100 करोड़ का हो जाए, तो भी तुम बेवकूफ नहीं बनोगे। क्यों, वो जितना का है एज ए टीज है, वो कंबड़ नहीं होता, इसलिए ज्ञानियों को पुण्य का उदय भी नहीं दिखता। पुण्य का उदय पाप का उदय स्वभाव में नहीं दिखता। मजा करो बस, खत्म। इतनी देर में कुछ समझ में आया, कुछ प्रवचन। अनादि काल से आज तक मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन रोने की कोई बात नहीं, क्योंकि अनादि काल से कुछ सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी हो। कुछ होता ही नहीं। सुनो, तुम 20 भाव में मोक्ष जाओगे, ये 5 भाव में जाएगा। पुण्य का होता है किसका, बोलो जल्दी प्रदीप बोलो। 2 भाव में मोक्ष जाओगे और ये 20 भाव में जाएगा। पुण्य का होता है किसका, फोकट की बात है। 2 भाव मोक्ष चला है, यहाँ क्या बढ़ जाएगा, और 20 भाव को जाए बात जाए तो इसका क्या घट गया, बताओ क्या घट गया। सभी लोग सम्यशिखर जी आ रहे हैं, एक साथ तो नहीं आ रहे ना, कोई आगे पीछे आ रहे हैं सर। ऐसे मोक्ष में आगे पीछे जाएंगे तो मोक्ष में। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं स्मार्ट, तीन दिन पहले आ गया, तो उससे क्या फर्क, आए थे ही और बेबी 3 दिन बाद आ जाएंगे, तो फर्क क्या पड़ा। ओहो जल्दी मोक्ष जाना और देर से मोक्ष जाने, मुझे ध्रुव में कुछ भी दिखाई नहीं। इसका नाम है ध्रुव की शरण, ध्रुव का आश्रय, ध्रुव का विश्वास, ये है इसका नाम विश्वास। अभी तो तुम इसे चेक करने के लिए आनंद ढूंढने लगते हो, आनंद आनंद क्यों ढूंढ रहे हो, विश्वास करो ना, विश्वास करो। सीता राम के साथ सदा सुरक्षित है, रावण हर ले गया तो भी सुरक्षित है, क्योंकि राम ऐसे से ना भले मिथ्यात हुआ हो, मोह रागदेश हुआ है, तुम्हारी पर्याय का हरण, हरण माने मिथ्यात हो गया, रागदेश हो गया आदि आदि, तो अभी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये है ना, ये मिथ्या दूर हो जाएगा, ये मोह रागदेश दूर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो, केवल समझना है बस। फिर से बोलू, जैन धर्म इज इक्वल टू सच्ची समझ, क्या बोलो बेटे, जैन धर्म इज इक्वल टू ओनली समझ, ओनली 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 अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, केवल समझ का नाम है जैन धर्म। सब काम हो जाएगा, सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा और सम्यक चारित्र भी होगा। बराबर आगे चले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वरूप स्वसमय की प्राप्ति करके उस स्वसमय रूप परिणमन रूप स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है, इसको समझाता हूं। क्या समझाना है मुझे, संपूर्ण विज्ञान घन, शब्द बोला क्या, क्या बोलना है, संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ जिसमें कोई ग्रहण त्याग नहीं है, ऐसे साक्षात समयसार स्वरूप परमार्थभूत निश्चल रहा हुआ शुद्ध पूर्ण ज्ञान को देखना चाहिए। यह देखना 3 प्रकार से समझना चाहिए, इसकी चर्चा कल करेंगे। अब अगला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ दिया उसे समझा दी। नींद तो नहीं आ रही, कठिन तो नहीं लग रहा, बोर तो नहीं हो रहे, हाँ या ना बोलो तो छोड़ दो। तो विज्ञान ज्ञान सुनो, विज्ञान ज्ञान हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे रूप परिणमित होता हुआ विज्ञान घन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे, तो सम्यक ज्ञान दर्शन समझ में आए नहीं, इसी का विश्वास, इसी का ज्ञान और इसी में मग्नता, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। क्या बोला, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इसी का विश्वास, इसी का ज्ञान और इसी का, बराबर। ऐसा करते करते ये विज्ञान घन हो गया, विज्ञान ये पर्याय विज्ञान घन हो गई। विज्ञान घन मतलब 1% भी विकल्प तक इसका नहीं आ रहा हो, विज्ञान घन का मतलब 1% एक बार भी इसका विकल्प नहीं आ रहा, बराबर। दृष्टांत, थोड़ा सा दृष्टांत, स्त्री का पति जीवित है, पहले दृष्टांत दीजिए, स्त्री का पति जीवित है और सुबह सुबह स्नान कर रही थी, तो उसके चेहरे पर बाल खुले हुए थे, यहाँ क्या भरते वो नहीं था, यहाँ टिकी भी नहीं थी और नहाई थी तो पूरे से साबुन क्या कहलाते, चूड़ियाँ भी नहीं थी और नया श्रृंगार करना था इसलिए बिछोड़ी भी उतार दी, सब कुछ उतार दिया उसने, और एक सादा कपड़ा पहने हुए जरूर पहने हुए स्नान कर रही है ना। बोलो उस समय कितने % विधवा है, कितने % विधवा है, बोलो, अरे बोलो कितने % विधो, अरे ऐसे कैसे, एक पति है, 16 तो गायब है, 16 गायब समझ गए, 16 श्रृंगार तो गायब है, टिकी तक नहीं लगी, बोलो, अरे बोलो ना। अब वो दर्पण में देख रही है, नहा धो कर आई ना, कपड़े बदल के अब वो सब दर्पण में देख रही है, तो उसको कितनी बार साले हो जाएगी, अरे बाप रे कुछ होगा कि नहीं होगा, बोला कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं बोलो कुछ तो होगा। ऐसे संयोग की कमी और वृद्धि देखकर शंका उत्पन्न नहीं होती, विकल्प उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम विज्ञान ज्ञान। विज्ञान ज्ञान समझ गए। उपवास के दिन, 14 के दिन, अष्टमी के दिन उपवास के दिन तुम मेरे घर पे आओ, मैं तो पानी को भी नहीं पूछा, तो पाप का उदय आया कि नहीं आया, अरे बोलो। और खाने पीने के लिए बहुत मिठाइयां रबड़ी रखी सामने, तो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया, क्यों बेइज्जती और इज्जत नहीं दिख रही तुम्हें, क्यों नहीं दिख रही, बोलो, क्योंकि मेरा उपवास है, विज्ञान घन। अच्छा तुम क्या सोच के आओगे उस दिन मेरे पास, कि पटी पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खाने को मिलेगा, दिक्कत तो आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा। देखते हैं आज पंडित साहब मेरी इज्जत के अनुकूल कुछ, मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप कुछ खिलाते हैं कि नहीं। ऐसे सोच के आओगे जय विज्ञान ज्ञान। ओह, ऐसे संयोगों में मुझे सुख की कल्पना उत्पन्न ही नहीं हुई, ये विज्ञान ज्ञान हो गया। विज्ञान ज्ञान समझ में आया कुछ? विज्ञान ज्ञान का दूसरा दृष्टांत दूं, स्वामी जी देते थे वो भी दे दूंगा। स्वामी जी देते थे ठंडों में जमा हुआ घी, काठियावाड़ी घी, तुमने तो देखा ही नहीं हो। अब तुम्हारे करना, अब तो नकली घी है, अब तो असली मिलता ही नहीं हो। ऐसा ऐसा टाइट घी होता है ठंडों में दिसंबर जनवरी की ठंड पड़ रही हो और इतना टाइट घी होता है, वो घी बेचने वाले होते हैं, घी बेचने वाले तो अब कैसे निकाले घी उसमें से, तोले कैसे? इतना विज्ञान घन था। तो गुरुदेव ऐसे कहते थे, तो लोहे की वो होती है क्या, वो नसी सरिया जैसा, परिया परिया कहते, क्या कहते हैं, लोहे की एक सरिया सा होता है, तो उसे ठोकना पड़ता है ऐसे ऐसे, उसे घी के अंदर ऐसे घुसा के, तो घी इतना विज्ञान घन होता है कि सरिया मुड़ जाता है, लोहे का सरिया मुड़ जाता है, लेकिन घी नहीं निकलता। और वो जो थोड़ा सा क्रैक होता है ना ऊपर, थोड़ा बहुत तो थोड़ी बहुत घी निकलता है, तो उसमें उंगली लग जाए ना, उंगली घी में, तो घी में वो घी उंगली में फांस बन के घुस जाए, फांस समझ गए हो, ऐसे ऐसे लग जाए ठंड में। एक तो ठंड वैसे तो सुनने जैसे हाथ पैर ठंड में भयंकर, और घी और घुस गया, ऐसे बोल देख के। मेरा दृष्टांत थोड़ा सरल है, आधुनिक कहो तो दे दें। आइसक्रीम जमाई कभी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जमाने में पहले अपने दूध को औंट दिया, गाढ़ा कर दिया, अच्छा रबड़ी कर दिया, अब उसको उसमें रख के आइस बॉक्स में रख दिया। अब ध्यान से सुनना, आइस बॉक्स में रखने पर भी रखते से ही जम जाता है? नहीं जमता है, तो कैसे कैसे जमता है? अब जो मैं कह रहा हूं, धीरे धीरे विज्ञान घन, धीरे धीरे, अभी निकाल के ऐसे कर दो तो धुल ही जाएगी, लेकिन आधा घंटे के अंदर अंतर मुहूर्त ज्ञान गया है, ज्ञान गया है, इधर तो देख ही नहीं रहा, ज्ञान गया है, मग्न होता हुआ यहाँ साथ मग्न हुआ है ना। अब जम गई, वो जम गई आइसक्रीम, अब उल्टा करो, सीधा करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे इसने इतना विज्ञान घन हो गया, बहुत उपसर्ग होने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा। चक्रवर्ती के द्वारा नमस्कार करने पर भी ऐसा नहीं लगता मजा आ गया, जैसे तुम कहते ना हमारे पैसे वसूल हो गए, ऐसे ऐसे नहीं कहते मेरी तपस्या सफल हो गई। देखो चक्रवर्ती आया, नरेंद्र मोदी तक आया, हाउडी मोदी देखो देखो तुम, उनके साथ मेरी फोटो खींची है तुम्हारे, हमें आया कि नहीं आया? विज्ञान का मतलब हमें आया, एक ज्ञान ज्ञान मैं ऐसा अनुभव करता है, उसे किसी की विकल्प आता नहीं, माने ये प्रैक्टिकल है। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करें, ठीक है? देखो कभी कोई नौकर रखा है, नौकर तो रखे होंगे, अरे बोलो ना, हाँ यार रखा, एक आध चाहिए तो मैं भिजवाऊं? हाँ पंडित बिल्कुल, एक आप भेजा, ठीक। अब मेरे कहने से एक नौकर आपको भेज दूं तो विश्वास मेरा करोगे कि नौकर का? नौकर तो मैं दे रहा हूं, आपने तो कभी देखा ही नहीं उसको, तो आप मेरे भरोसे रखोगे या उसके भरोसे रखोगे? मेरे भरोसे। मैंने कहा बिल्कुल आपका घर जैसा है, पूरा बिलीव कर सकते हो आप इस पर, तो भी अब तो भी विज्ञान कर नहीं हुए आप, विज्ञान कर नहीं हुए आप। क्या करोगे पता है, पहले थोड़ा थोड़ा परीक्षा करते जाओगे, एक दिन 100 का नोट पटक के देगा, उसने बिल्कुल नहीं उठाया। सुमत प्रकाश जी का विश्वास सम्यक दर्शन, सुमत प्रकाश जी का भरोसा करने लाया गया, फिर एक दिन 500 का नोट ऐसे, एक दिन 10,000, एक लाख, फिर एक दिन तो तिजोरी की जो जवेरात है ना, जेवरात जवेरात, उसकी चाबी ऐसे पटक के और बस चुपचाप बैठ गए, और उसको तिजोरी खोलनी पड़ी। अंतिम परीक्षा है आज विज्ञान घन होने की। इसके बाद तो वो इतना फन फनाया सेठ जी के ऊपर, सेठ जी मैं जा रहा हूं, बोले क्यों, तुम बहुत बेकार आदमी हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, तिजोरी खोलनी पड़ी, चाबी यहां पड़ी, कुछ हो जाए तो मैं तो जबरन बदनाम हो जाऊंगा, कोई और ले जाता तो, मेरी नजर नहीं पड़ती तो तुम बहुत बेकार आदमी हो, मुझे नहीं करना नौकरी, मैं जा रहा हूं। सही बताना अब कैसा लग रहा है? ऊपर से तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अंदर से ऐसा लग रहा है, समझ आ गया? अब सही बताना अगली बार कोई डाउट का विकल्प होगा उसके ऊपर। सुना त्रिकाली गायक में इतने मग्न हुए कि 3 लोग की संपदा मिलने पर भी अब राग उत्पन्न होगा। ये विज्ञान ज्ञान अभी अपने थोड़ा थोड़ा लगता रहता है ना, थोड़ा थोड़ा बात तो सही है गायक की, बात तो सही है ध्रुव की, लेकिन थोड़ा तो चाहिए, थोड़ा तो चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं। अच्छा दो ही चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा आप में से कौन कौन है दोनों नहीं चाहिए? नहीं दोनों में से बोलो। सुनो श्रद्धा किसी एक की हो सकती है, या तो इसकी होगी या इसकी होगी, श्रद्धा किसी एक की होगी। बोलो किसकी करना है? बोलो हमें नहीं मालूम, हमें मत सुना। बोलो श्रद्धा किसी एक की होगी, बोलो किसकी करना है? बोलो विक्रांत के बच्चे क्या नाम है, अन्वय, अन्वय बोलो। पंडित देखो ये तो अनादि से है, इसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है, तो है ही इसका क्या करेंगे हम? ना खाने के काम आता, ना पीने के काम आता, ना नौकरी के काम आता, ना इज्जत आबरू। लेकिन शादी तो होना ही चाहिए, और शादी होना तो नौकरी भी चाहिए, और नौकरी तो मकान दुकान भी चाहिए, और फिर थोड़ी इज्जत आबरू भी चाहिए। लोग 5 साल क्यों जाते बीवी के साथ? पता है चाय पीने नहीं जाते, केवल बीवी के साथ जाएंगे और एक राजा जैसा वो मिलेगा सैल्यूट, इतने से पैसे देने जाते हैं वहां, और बीवी खुश हो जाती, बाहर है मेरे बेवकूफ पति। शान दिखाने के लिए, शान दिखाने के लिए कहां गए? समझ आ रही कोई बात? 3 बातें कौन कौन सी थी? उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य और संयोग। अपन ने तीनों में से समय से निकाल लिया। इस तरह से अभी एक पैराग्राफ और है, उसको भी लूंगा, और फिर कल मैं इसमें से भी लूंगा, अमृत वचन में से। बहुत अच्छा मेरे वो लेना तो अभी था, मन उसका भी था, लेकिन ये कंटिन्यू चल रहा था इसलिए उसे चला है। उसमें बहुत मधुर बात है, उसी चर्चा देखिए, कोशिश करेंगे कल हो जाए, और नहीं तो अभी तो अपना सिविल स्टार्ट होना है 3 तारीख है, तब तक अपने यहाँ नहीं चलेगा अभी। देखो ओम नमः शिवाय।